का प्यास को बढ़ता हूं। संगति समझते हो, साथ, आप सभी किसी ना किसी के साथ जुड़े हैं, प्रिय मित्र होते हैं, मोहल्ले में कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा बैठना उठना पसंद करते हो, तो उसी को संगति कहते हैं। तो आचार्य श्री रंजन दीक्षित जिनकी आज मैं आपको पुरानी कथाओं में से एक छोटी सी कथा, दो छोटी छोटी कथाएं बताऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बार एक शिकारी थे, वो शिकार करते करते थक गए, पूरा दिन शिकार किया, थक गए और थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बैठते ही उन्हें नींद आई और सो गए। तो हर जाति प्रजाति में उच्च विचार किसी के भी हो सकते हैं, जैसे इंसान में गरीब भी अमीर, किसी भी जाति, किसी भी पक्षी पशु, उनके व्यवहार से संगति से ही विचार उनमें उत्पन्न होते हैं। तो जब वो सोए और ऊपर से हंस उड़ा उड़ता हुआ जा रहा था, हंस ने देखा कि बहुत तेज की हवा चल रही है, कोई बेचारा पेड़ के नीचे सोया है, उसने ये नहीं देखा कि ये शिकारी है, उसने देखा कि पेड़ के नीचे कोई इंसान सोया है और हवा से उसके चेहरे पर कभी धूप पड़ रही है कभी नहीं पड़ रही है और उसकी नींद खराब हो रही है। उसने अपने पंख फैलाए और उस पेड़ के ऊपर, उसके जहां उसे धूप लग रही थी उसके ठीक ऊपर जाके अपने पंख फैलाए बैठ गया। तो हर समाज में शरारती तत्व भी है, हर पक्षियों में भी शरारती है, हर इंसानों में भी शरारती है। तो वहां से उठता उठता कौवा आया, कौवा ठीक हंस के पास खड़े होके उसे और कुछ नहीं सूझा, उसने उस सोए हुए व्यक्ति के ऊपर अपना मल छोड़ दिया, जिसे आप पाटी कहते हो। आम आपने देखा होगा कि ऊपर से कई बार पक्षी जाते हैं, हमारे ऊपर भी गिर जाता है। तो मल जैसे ही छोड़ा और वो उड़ के चला गया। जब शिकारी उठा तो उसने देखा कि मेरे ऊपर है क्या, ये किसने छोड़ा, तुम्हारी आगे बेचारे हंस की। उसने ना सोचा ना समझा और उस हंस पर तीर चला दिया, जिससे हंस की मौत हो गई, गिरा वो उसी के पास आके गिरा। तो हंस ने मरते मरते पूछा कि मैं तो, आप सोए थे, मैं तो आपको छाया दे रहा था, आपके धूप पड़ रही थी, आपने मुझे क्यों मारा। तो उसे पूरी कथा बताई, ऐसे ऐसे आप पे धूप लग रही थी तो मैं आपके ऊपर आके खड़ा हो गया, तभी कौवा आया, कौवा मल करके चला गया, उसमें मेरी क्या गलती। तो शिकारी ने कहा मैंने तो कौवा को नहीं देखा, मैंने तो ऊपर देखा तो आप थे। तो फिर उन्होंने, शिकारी ने ही राजा था, उन्होंने ही हंस को कहा कि जे आपको जो भुगतना पड़ा, जो आपके साथ मेरी तरफ से व्यवहार हुआ, ये आपकी संगति का असर है। अगर कौवा आपके पास आया आपने वहां से चले जाना चाहिए था। अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके पास आता है, आपको समझ है ये बुरा व्यक्ति है, आपने उसके पास खड़े नहीं होना, आपने वहां से चले जाना, क्योंकि वो कभी भी बुराई कर सकता है कि नहीं। तो इसीलिए छोटी सी कथा में जो बताया था कि उसकी 2 मिनट की संगति में उसे मौत तक ला के छोड़ दिया। तो अगर हम कुछ किसी बुरे व्यक्ति के पास ज्यादा देर खड़े रहते हैं जहां वो बुराइयों में लिप्त है, कुछ ऐसे काम करता है, तो उसका हम पे असर पड़ता है। ये एक कथा होगी इसी रंजन दीक्षित जी की। मैं दूसरी छोटी सी कहानी आपको पुरानी कथाओं में से सुनाऊंगा। एक बहुत अमीर आदमी था, धन इकट्ठा करते करते इतना धन इकट्ठा हो गया कि उसे अब धन की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज में उन्होंने अपने पारिवारिक जो कार्य थे वो मिस हो गए उनसे, वो करना छोड़ दिए। अब जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी एक दौड़ में लग जाता है तो बहुत सारी चीजें उससे छूट जाती हैं। तो जब एक उसने देखा कि मेरे पास इतना धन हो गया, अब तो मुझे धन की कोई जरूरत नहीं, तो उसने फिर आस पड़ोस के जो साधु जन थे, जहां कोई अच्छे विचारिक लोग थे, उनसे कहा कि मेरे घर में इतना धन क्या करूं, मेरे घर तो कोई संतान ही नहीं, ना मेरी कोई बेटी है ना बेटा है। संतान मींस बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं, बहुत लोगों में ये भ्रम रहता है कि बेटा ही संतान है, उससे ही वंश चलता है, ऐसी नीच सोच है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बच्चे और बच्चियां दोनों माता पिता के लिए एक बराबर संतान होनी चाहिए और वो हैं। तो जब उसने देखा ना मेरी कोई बेटी ना बेटा, तो वो सभी जगह साधु संतों के, अपनी
जो पैसा इकट्ठा किया था उनको वो खर्चने लगा कि किसी तरह से मुझे प्राप्त हो जाए। अक्षय सर बड़ी बार आपको एक बात बताते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अब उसे ज्यादा है पर भक्त उसने खो दिया था। वो चलते चलते किसी संत के पास पहुंचा, उसने कहा इसका उपाय हम तो नहीं कर सकते पर हमें एक साधु जन मालूम है, आप उनके पास जाएं, पर उनके उपाय बहुत मुश्किल और दुनिया की सोच से परे हैं, तो आप उनके पास जाएं तो हो सकता है वो आपको ये कुछ इसका उपाय बताएं। उसने क्या किया, अपनी दान दौलत इकट्ठी की, एक पोटली बांधी और साधु के पास चला गया। साधु किसी गांव में रहता था दूर, और उस गांव को उस साधु के बारे में सब पता था कि इनके उपाय जो हैं वो उलट ही होते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति वहां गया पूरा धन लेके, उसने पोटली वहां रखी और साधु इतना ज्ञानी था कि वो जाने वाले की बात पहले ही जानता था। उसने जैसे ही व्यक्ति ने वहां पोटली रखी, उसने पोटली उठाई और साधु भाग गया। अब व्यक्ति उसके पीछे भागे कि मैं तो अपना इलाज कराने आया था, ये तो चोर है, ये तो पैसे लेके भाग गया, मेरी पूरी उम्र की कमाई भी ले गया, मेरे पास औलाद भी नहीं रही। वो पूरे गांव में भागता रहा, चिल्लाता रहा, चोर चोर मेरे पैसे ले गया। तो गांव वाले कुछ पीछे हुए, जब देखा कि साधु जी आगे जा रहे हैं, कोई ना कोई उपाय ही कर रहे होंगे, तो वो थोड़ी दूर उसके पीछे भागे फिर अपने घर चले जाए। उसने पूरे गांव में उस व्यक्ति को घुमाया और उससे व्यक्ति से पहले घूम के, वो उस गांव का रहने वाला था, सभी रास्ते मालूम थे, उस व्यक्ति से घूमने से पहले ही उस वृक्ष के पेड़ के नीचे आके दोबारा पोटली फेंक दी। और जैसे ही वो व्यक्ति वहां पहुंचा, उसने वो पोटली उठाई और सीने से लगा दी, वो पैसों वाली जिसमें हीरे ज्वारा पैसे पूरी उम्र की कमाई इकट्ठी की थी, सीने से लगा दी। तो साधु जी को पूछा, यार मैं तो आपके पास इलाज कराने आया था, आप तो घुमा मुझे दौड़ा दौड़ा के मेरे पैसे ही ले गए। तो उन्होंने कहा अगर आपको समझ आई है तो समझ लो, आपने पूरी उम्र इस पैसे से प्यार किया है, आपसे ये पैसा थोड़ी देर के लिए मैंने दूर किया और मैं सिर्फ भागा हूं और आप इसके पीछे भाग रहे हो। हमें किस चीज की तलब कब होती है, हमें किस चीज से प्यार कब होता है जो हमसे छीन जाता है, जो हमारे पास नहीं रहता, फिर हम उसके लिए दुनिया के दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे हमारे कोई बुजुर्ग हमसे चले जाते हैं, बाद में 13 दिन कोई जितना जितना जोर लगता है कुछ रोने लगाते हैं, कुछ दिखाने में लगाते हैं, कुछ बताते हैं हमने इस हॉस्पिटल में लेके, हम उसमें लेके इतना पैसा खर्च कर दिया, ये कर दिया, ये सब अपना आप दिखाने के लिए है, ना कि उस व्यक्ति के लिए। जब जिंदा है तब उसके लिए करो ना, उसकी टांगे भी दबाओ, उसको अच्छा खाना भी दो, बुढ़ापे में उसके साथ बैठो भी। तो उसी व्यक्ति ने उस पैसे से प्यार बनाए रखा और बाद में तब समझ आया जब ना वो पैसा खा सकता था, ना उससे वो अपनी खुशी हासिल कर सकता। हम भी अपनी खुशी तब ढूंढने जाते हैं जब हमसे वो दूर चली गई होती है, जब हमारे पास होती है हम उस पल को नहीं जीते। हमें जीना किसको है, अगर आपको इस पल खुशी मिल रही है उसको इसी पल जियो, ना कि खुशी को और दुख को आप कभी रोक के नहीं रख सकते। ये छोटी छोटी बच्चों कथाएं थी, इन पर ध्यान देना है। ये पुरानी कथाएं हैं, ये मैं कोई खुद से बना के नहीं ला सकता, ये किताबें हैं और इनके सुनने पर असर करना है, बुरी संगति से दूर रहना है। जो आपका वक्त आज है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ समय, आज आपका समय है शिक्षा को ग्रहण करना, इस पर ध्यान देना, बुरी संगति से दूर रहना, किसी के कहे बिना पढ़ना, आपको जबरदस्ती कोई पढ़ा नहीं सकता, ये आपकी साधना है। आपको कोई कहेगा, माता पिता जबरदस्ती बिठाएगा, आप किताब तो खोलोगे पर आप पढ़ोगे, पर जे उम्र आपकी जो 12th तक की उम्र है जे निकल जाएगी तो फिर आप पैसे से भी शिक्षा हासिल थोड़ी कर पाओगे। किसी के पास कोई ऐसा इंजेक्शन थोड़ी है लगाया कि आपको ज्ञान आ गया, जहाँ आपको पढ़ाई आ गई, आपको नौकरी मिल गई, उसके लिए जे ही समय है आपके पास, और इस समय को व्यर्थ मत जाने दो, इसमें ध्यान दो। आज जहां हमारे गांव के बच्चे, हमारी पंचायतों के बच्चे भी बहुत दूर तक जा रहे हैं और उनकी मेहनत से जा रहे हैं। पढ़ना, आपको अगर किताबें पढ़ने का शौक पड़ जाए तो आपको किसी संगति की जरूरत नहीं, आपको किसी मोहल्ले में घूमने की जरूरत नहीं। बच्चे घर से परेशान होते हैं क्योंकि घर वाले काम भी बताते हैं, वो भी आपका कर्तव्य है, जो घर वाले बताएं उनकी आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, बड़े भाइयों की आज्ञा का पालन करना,
अच्छे व्यक्ति भी गलती कर सकते हैं, जो आपके अच्छे दोस्त मित्र हैं वो भी गलती कर सकते हैं, पर उनकी एक गलती